तो एक और मास्टरपीस मलयालम मूवी देखने को मिली है। इससे पहले भी मैंने जो मलयालम मूवी देखी है वो कमाल की रही हैं, उनके रिव्यू मैं कर चुका हूँ। उन रिव्यू को देखकर अगर आप उन मूवीज को देखेंगे वो आपको बेस्ट मूवीज ही लगेंगे, मतलब मेरे रिव्यू से नहीं, वो डेफिनेटली बहुत बढ़िया मूवीज है। कोई रियल स्टोरी के ऊपर बेस्ड है, कोई कॉमेडी रोमांस के ऊपर बेस्ड है, कोई फ्रेंडशिप के ऊपर बेस्ड है, उन सब मूवीज मतलब इन सब जोनर के अंदर मूवीज ने कमाल कर रखा है। मलयालम मूवीज की बात करूं बहुत बढ़िया मूवीज है वो। और एक ऐसी ही मूवी जिसके बारे में आज हम बात करने वाले, द गॉड लाइफ मूवी के बारे में, जिसको थिएटर्स में मैंने नहीं देखा, इसका अफसोस है। इसको मैंने नेटफ्लिक्स पर देखा है, 2.5 घंटे के आसपास इसकी लेंथ है और रियल स्टोरी के ऊपर बेस्ड है, मतलब सच्ची घटनाएं हैं, सच्ची घटनाओं पर ये मूवी बनाई गई है, जो और ज्यादा दिल दहला देगी। क्योंकि जो चीजें इसके अंदर हमें देखने को मिली हैं वो यार बिलीव ही नहीं करोगे यार, ये सब चीजें रियल में हुई हैं। और वो जब हुई है क्योंकि यार खुद लोगों ने आप बीती बताई है कि उनके साथ ये सब चीजें हुई हैं। खैर बात करेंगे क्या क्या चीजें हैं इसके अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो इसकी कहानी है हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। जो ये मूवी है 2008 में एक नोवल आई थी, अधुजीवितम, शायद मैंने नाम सही से लिया हो, उसी नोवल के ऊपर आधारित ये मूवी है द गॉड लाइफ। इसके अंदर हमें जो सऊदी अरेबिया के अंदर झूठ बोलकर लोगों को भेज दिया जाता है, जॉब उनको अच्छी मिलेगी लेकिन वो वहां पर एक बंधुआ मजदूर के तौर पर फंस कर रह जाते हैं, उनको दिखाया गया। एक ऐसी ही व्यक्ति नजीब की कहानी हमें इस मूवी में देखने को मिलती है, जिसको ये कहकर भेजा जाता है कि यार तुम सऊदी अरेबिया में जाओगे, एज ए लेबर के तौर पर जाओगे, वहां पर तुमको एक अच्छी तनख्वाह मिलेगी, रहने की व्यवस्था अच्छी मिलेगी, लेकिन उसको ये सब चीजें जो झूठ बोलकर भेजी जाती है वहां पर जाकर उसको बंधुआ मजदूर बनाकर रख दिया जाता है। सऊदी अरेबिया में दूर दराज रेगिस्तान के अंदर उसको रखा जाता है, जबरदस्ती फोर्सफुली उससे मजदूरी कराई जाती है, भेड़ बकरियां उसको उसे चरानी होती है, और बदले में उसको क्या मिलता है? कुछ भी नहीं, मतलब उसको खाने तक भी कुछ नहीं मिलता है, इतना ही दिया जाता है ताकि उसको उसकी मौत ना हो जाए, पानी के लिए वो तरस के रह जाते हैं। और अब नजीब इतने ज्यादा जुल्म सह रहा है, इस जहन्नुम से वो कैसे निकल कर बाहर आता है, ये कहानी हमें इस मूवी के अंदर देखने को मिलती है। अब बोलोगे यार वो निकल कर बाहर आ गया, तुमने तो इसकी स्पॉइलर दे दिया। स्पॉइलर नहीं है, वो जब बाहर निकल कर आए हैं उन्होंने अपनी आप बीती बताई है, तभी तो हमें ये कहानी यानी कि मूवी देखने को मिली है, वो नोवेल के अंदर ये सब कहानी छपी है, तो इसमें कोई स्पॉइलर नहीं है। तो ये हो गई इस मूवी की कहानी, ये जो रियल स्टोरी है। अब बात करें कि मूवी के अंदर क्या क्या अच्छा है, मतलब बहुत सारी चीजें इसके अंदर अच्छी है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो आप इस मूवी के अंदर कहानी देखते हैं, जो बंधुआ मजदूर बनाकर रख दिया जाता है, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप इवन कुछ ऐसे सीन है इसके अंदर आप वो देख ही नहीं पाओगे, इतना ज्यादा टॉर्चर किया गया है, इतना ज्यादा तरसाया गया है लोगों को, खाने के लिए तरसा देना, मतलब सोचो इतना ही देना ताकि उसकी मौत ना हो जाए, इतना उसको बेबस कर देना वो भाग ना पाए, पानी के लिए तरसा देना, कपड़े पहनने के लिए उसको सही से ना देना, गर्मी पड़ रही है तो बाहर रेगिस्तान में पड़े रहो, ठंड पड़ रही है तो बाहर रेगिस्तान में पड़े रहो, इतनी ज्यादा टॉर्चर इनके ऊपर किया गया है। मतलब जानवरों के ऊपर भी वैसा बर्ताव ना किया जाए जो इंसानों के ऊपर किया गया, जो इस मूवी के अंदर में देखने को मिल रहा है। और ये देखकर सच में ऐसा फील होगा कि यार ये वाकई में ये सब चीजें हुई हैं, और यार आप इसको डिनाई नहीं कर सकते, वो सब चीजें हुई हैं, ये लोगों ने आप बीती बताई है इन सब चीजों के बारे में, यार वो क्या पता आज की डेट में हो रही हो, ये लोग वहां से बचकर निकल कर आ गए तब ये अपनी कहानी बता रहे हैं, और जो निकल कर नहीं आए वो आज भी क्या पता बंधुआ मजदूर बनकर वहां पर रह गए हो, उनके ऊपर अभी भी क्या पता टॉर्चर हो गया, आज हमें ये सब चीजें पता चल पाई क्योंकि ये लोग बचकर आ गए, वहां पर कामयाब हो गए। लेकिन आप जब ये मूवी देखोगे तो आपको पता चलेगा कि हर कोई वहां से निकलने में कामयाब नहीं हुआ। मैं आपको कोई स्पॉइलर नहीं दे रहा हूं, लेकिन जब आप इस मूवी को देखेंगे तो इतना ज्यादा आपको मतलब ऐसा फील होगा, दर्द फील होगा इस मूवी को देखते वक्त, जो इसके अंदर आप परफॉर्मेंस देखेंगे पृथ्वीराज सुकुमारन जी की, जो आप परफॉर्मेंस देखेंगे वो यार इतनी ज्यादा बढ़िया है, वो आप उनके चेहरे के ऊपर वो दर्द, वो प्यास, वो तकलीफ देखने को जो मिलती है, इतने बढ़िया तरीके से उसको रिप्रेजेंट किया गया है, मतलब वो दर्द आप खुद फील करने लग जाओगे। इतनी बढ़िया सिनेमाटोग्राफी है इस मूवी की, हर सीन को बहुत खूबसूरती से आपके सामने रखा गया है। और मैं कहूंगा कि जो पृथ्वीराज सुकुमारन जी हैं उनकी जितनी तारीफ की जाए उतनी ही कम है, नेशनल अवार्ड विनिंग उन्होंने परफॉर्मेंस दी है, हालांकि ऑस्कर मिलना चाहिए लेकिन मेरे कहने से तो कौन ही देता है, क्योंकि इतने बढ़िया तरीके से उनका बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन उन्होंने किया है, जिस तरीके की हालत उनकी आप देखेंगे, स्टार्टिंग में आप देखिए वो कैसे दिखते हैं, लेकिन जब मूवी एंड हो रही होती है तब आप देखिए उनकी हालत कैसे होती है, यार पहचान में नहीं आते हैं। और तारीफ करने पड़ेगी मेकअप आर्टिस्ट, जो उन्होंने गेटअप दिया है, मेकअप उन्होंने किया है, वो वाकई में कमाल का है। बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन मैंने जैसे कहा वो बहुत कमाल का है यार, वो सब चीजें देखकर दिल दहल जाता है। इस तरीके की परफॉर्मेंस, इस तरीके की कहानी, इस तरीके की आप सिनेमेटोग्राफी देखते हैं, डायरेक्शन आप देखते हैं, बहुत जबरदस्त। और जितने भी इमोशंस इस मूवी के अंदर देखने को मिलते हैं आपको ऐसा लगेगा यार ये मूवी की को मतलब ये जो जर्नी है वो इमोशन से भर दी गई है। ए आर रहमान सर का जो म्यूजिक इस मूवी के अंदर दिया गया है इतना बढ़िया है, ओमान एक सॉन्ग आता है इस मूवी के अंदर, जो विजुअली ट्रीट है इतना बढ़िया आप लोगों
लोगों को लगेगा। मेरी तरफ से तो देखो इस मूवी को मैं देना चाहूंगा 9 out of 10। आप कहोगे कि यार इतनी बढ़िया मूवी है, आपने एक नंबर किस बात का रख लिया? अरे यार वो सबटाइटल की वजह से, क्योंकि मूवी में हिंदी डबिंग है ऑब्वियसली, लेकिन आप देखेंगे ना कि कुछ सीन ऐसे हैं, कुछ क्या बहुत सारे सीन ऐसे हैं जो सऊदी अरेबिया में वहां की लैंग्वेज में या फिर और भी अलग अलग लैंग्वेज के अंदर है उसके अंदर बोले गए हैं, तो वो समझ नहीं आते, तो वो सबटाइटल के ऊपर नजर रखनी पड़ती है, तो नजरें कभी नीचे कभी ऊपर कभी नीचे ऐसे रखनी पड़ती है, तो वो थोड़ा बहुत इरिटेट किया मुझे, उस लिहाज से मैं कह रहा हूँ। बाकी मूवी के अंदर मुझे कोई कमी नहीं लगी है। आप डेफिनेटली इस मूवी को देखिए, बहुत कुछ जानने को मिलेगा, या आप ये सब चीजें देखेंगे कि कैसे ये सब चीजें हो रही हैं। हाँ, हालांकि इसके ऊपर काफी सारे सवाल भी खड़े होते हैं कि यार सरकार देश में ऐसा कुछ कर क्यों नहीं रही है, क्या हमारे देश के लोग बाहर क्यों जाते हैं, ये एक अलग टॉपिक है, इसके ऊपर कभी हम अलग से बात करेंगे। तो डेफिनेटली मैं आप लोगों को रिकमेंडेड जरूर करूंगा कि आप अगर आपने मूवी नहीं देखी है तो जाकर आप ये मूवी देखिए, नेटफ्लिक्स पर आप लोगों को मिल जाएगी। थिएटर्स में मैं नहीं देख पाया, मुझे इसका डेफिनेटली बहुत ज्यादा अफसोस है। महाराजा मूवी होगी, द गोट लाइफ मूवी हो गई, मैंने कहा ना कि कुछ ऐसी मूवीज थी जिनको मैं थिएटर्स में नहीं देख पाया, खैर ओटीटी पर मैंने उनको देखकर मतलब मुझे अच्छा लगा कि एटलीस्ट मैं उनको ओटीटी पर तो देख पाया। तो जिन्होंने नहीं देखी है तो डेफिनेटली इस मूवी को आप देखें, जिन्होंने देख लिए कमेंट सेक्शन ओपन है, कमेंट तो आते नहीं है, कमेंट कर दिया करो यार। तो बस आज के लिए इतना है इस वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।